शुरू करते हैं ये ट्वेंटी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपके लिए काफी उपयोगी रहने वाले हैं तो यहाँ पर पहला प्रश्न ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर देखेंगे सिल्क स्क्रीन पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार थे मंजीत बाबा भूरी सिंह परमानंद चोयल देवकी नंदन शर्मा आंसर करेंगे सिल्क स्क्रीन पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे राइट right आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन का मंजीत बाबा मंजीत बाबा जो हैं ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के फेमस चित्रकार रहे थे तो मंजीत बाबा आंसर हो जाएंगे इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर टू है ग्राफिक कलाकारों का एक समूह ग्रुप आर्ट का स्थापना नई दिल्ली में उन्नीस सौ ईस्वी में किसके द्वारा की गई तो ऑप्शन है सोमनाथ होर जगमोहन चोपड़ा शंखो चौधरी कृष्णा रेड्डी ग्राफिक कलाकारों का एक समूह ग्रुप आठ का स्थापना नई दिल्ली में उन्नीस ईस्वी में किसके द्वारा की गई आंसर सभी लोग करेंगे चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख जगमोहन चोपड़ा तो जगमोहन चोपड़ा है जिन्होंने ग्राफिक कलाकारों के समूह ग्रुप एट की स्थापना कहां पर की नई दिल्ली में उन्नीस में ठीक है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर थ्री है चौदवी शताब्दी में किसने छापा चित्रण को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया ऑप्शन है वान गॉग ड्यूरर, पिकासो लियोनार्डो द विंची। इसी तरह से डेली आपको ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम को ध्यान में रख के दिए जा रहे हैं और इन क्वेश्चन को आप लोग अलग कहीं नोट भी करते हुए चलेंगे साथ ही रिवीजन जरूर करेंगे ठीक है तो चौदहवीं शताब्दी में किसने छापा चित्रण को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूरर ठीक है आगे बढ़े अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर फोर है अति यथार्थवाद का प्रथम प्रभाव किसके चित्रों पर दिखाई देता है ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर हेमंत मिश्र विकास एम एफ हुसैन मिले जुले क्वेश्चन इसी तरह से डेली का डेली आपको प्रैक्टिस करना है और ये शिवानी आर्ट क्लासेज पे सिक्स पीएम पे आपको डेली मिलेगा ठीक है तो अति यथार्थवाद का प्रथम प्रभाव किसके चित्रों पर दिखाई देता है याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्र टैगोर चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर चेक करें वहाँ पे जितनी भी प्लेलिस्ट है सभी आप चेक करें आपके एग्जाम को ध्यान में रख के ही वहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी और बाकी दोस्तों के पास भी आप उसे शेयर करें अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है भाववादी प्रेरणा प्राप्त करने वाले भारतीय कलाकार कौन थे एन एस बेंद्रे शैलोज मुखर्जी राम कुमार सतीश गुजराल भाववादी प्रेरणा प्राप्त करने वाले भारतीय कलाकारों में से इनमें से कौन थे आंसर करेंगे कलाकारों की प्लेलिस्ट आप लोग देखिए वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कलाकारों के विषय में जानकारी दी गई है जिससे आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैलोज मुखर्जी शैलोज मुखर्जी जो थे ये एक भारतीय कलाकार थे भाववादी प्रेरणा प्राप्त करने वाले कलाकारों में ठीक है तो अगला प्रश्न देखेंगे हमारा अगला प्रश्न है बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है टेक्सटाइल पटचित्र जनजाति कला या फिर प्राचीन स्मारक बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है आंसर करेंगे डेली का डेली ट्वेंटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए शिवानी आर्ट क्लासेज पे सिक्स पीएम आपको मिलेंगे तो डेली आप लोग सिक्स पीएम पे शिवानी आर्ट क्लासेज पे जुड़ेंगे बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी जनजाति कला ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन है प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उन्नीस सौ ईस्वी की लेखिका है प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उन्नीस सौ ईस्वी की लेखिका कौन है ऑप्शन है शोभा डे शोभा देव अमृता प्रीतम अरुंधति राय गीता मेहता <coughs> सॉरी तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट right आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अरुंधति राय प्रसिद्ध उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और ये उन्नीस सौ ईस्वी में लिखा गया किसने लिखा अरुंधति राय ने राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर एट है ब्रिटिश स्टूडियो पोट्री के पितामह फादर ऑफ ब्रिटिश स्टूडियो पोएट्री हैं बर्नार्ड लीच ग्लेडिस रेनेल इन सप्रेग उना तो ब्रिटिश स्टूडियो पोट्री के पितामह कौन है और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तो आज ये पहली क्लास है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट वन प्रैक्टिस सेशन आपका स्टार्ट हो गया है तो ब्रिटिश स्टूडियो पोट्री के पितामह कौन है इसके अलावा भी जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो भी आपके लिए काफी उपयोगी हैं चैनल पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्नार्ड लीच ठीक है अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर नाइन है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था वैशाली में लुम्बिनी में कपिलवस्तु में पाटलीपुत्र में बुद्ध का जन्म कहां हुआ था तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में अगला क्वेश्चन क्वेश्चन स्क्रीन पर है ध्यान दीजिएगा सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी महेंद्रनाथ सिंह नंदकिशोर शर्मा शिवनंदन नौटियाल विश्वनाथ मेहता तो चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम और इसकी रचना किसने की थी आंसर बताना है आप सभी लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसके द्वारा की गई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवनंदन नौटियाल सभी लोग लास्ट में बताइएगा ट्वेंटी में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन देखेंगे निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है सितार तबला सरोद वीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वीड़ा ठीक है अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है बिरजू महाराज कथक, बिस्मिल्ला खान शहनाई जाकिर हुसैन हारमोनियम अमजद अली का सरोद महत्वपूर्ण प्रश्न है तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक है यहां पर हारमोनियम दिया है तो यही आपको बताना है राइट right आंसर है ऑप्शन सी ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है भारत में प्रकाशित पहला अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस बंगाल गजट द हिंदू भारत में प्रकाशित पहला अखबार कौन है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल गजट अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है आगरा में अलीगढ़ में इटावा में बाराबंकी में थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है तो इसलिए वॉइस थोड़ा सा आ, क्लियर नहीं आएगा तो ध्यान दीजिएगा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है आंसर यहाँ पर करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आगरा में ठीक है राइट आंसर ऑप्शन ए आगरा में सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है आगरा में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है सितार मिश्रण है बांसुरी प्लस वीड़ा बांसुरी प्लस सारंगी वीड़ा प्लस तंबूरा वीड़ा प्लस पियानो तो सितार किसका मिश्रण होगा यहां पर राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी वीड़ा प्लस तंबूरा सितार जो है ये वीडा प्लस तंबूरा का मिश्रण है अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है राजा हरिश्चंद्र आलम आरा शोले पाकीजा तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी हो जाएगी राइट आंसर ऑप्शन बी आलम आरा अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं जे एस किलबी टेसिकीडर के रिसर्च टिम बर्नस ली www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है सभी लोग आंसर देंगे यहां पर तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टिम बर्नस ली अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है भारत की प्रथम 3D फिल्म है तो कौन सी है मदर इंडिया आम्रपाली माय डियर कुट्टी चाथन जंजीर भारत की प्रथम थ्री फिल्म कौन सी है यहाँ पर सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए तो थ्री फिल्म की बात है भारत की प्रथम थ्री फिल्म हो जाएगी माई डियर कुट्टी चाथन राइट आंसर ऑप्शन सी ठीक है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माई डियर कुट्टी चाथन जो है ये भारत की प्रथम थ्री फिल्म हो जाएगी राइट आंसर सी के साथ जाएंगे अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है दुनिया का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है अंकुरवाट मंदिर कंबोडिया अक्षरधाम मंदिर कंबोडिया अक्षरधाम मंदिर भारत इनमें से कोई नहीं तो दुनिया का सबसे विशाल मंदिर यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंकुर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंकुर वाट मंदिर जो है ये दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है राइट आंसर ए अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो कि आज का लास्ट का प्रश्न होगा दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन लुवर संग्रहालय पेरिस टोक्यो राष्ट्रीय संग्रहालय टोक्यो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क तो दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय यहाँ पर क्या हो जाएगा और डेली आपको 6 पीएम पे शिवानी आर्ट क्लासेज पे इसी तरह से ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे आप लोग वीडियो को शेयर करें अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें और जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इस समय बाद में यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्न कराए जाएंगे तो जिससे आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा ठीक है इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें और घंटी के बटन को भी क्लिक करें तो दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय कौन सा होगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लुव्र संग्रहालय पेरिस जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय हो जाएगा ठीक है राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे इसी तरह से डेली आपको ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करने हैं और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज का प्रश्न होगा याद करें नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे सभी लोग कहाँ की घड़वा कला अथवा ढोकरा कला विश्व प्रसिद्ध है इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने इसके अगले क्लास में मिलेगा ठीक है तो कहाँ की घड़वा कला अथवा ढोकरा कला विश्व प्रसिद्ध है सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दे के अपना अटेंडेंस वहाँ पे देंगे इस क्वेश्चन के आंसर के साथ ही आपकी वहाँ पे अटेंडेंस लग जाएगी कि कितने लोगों ने देखा है और कितने लोगों ने आंसर किया है ठीक तो है तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में पढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए निश्चित रूप से आप सफल होंगे आपके जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे इसी के साथ सभी का धन्यवाद मिलते हैं अपने अगली क्लास में सभी का धन्यवाद अगला प्रश्न है पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है पंचमढ़ी कहाँ स्थित है ग्वालियर भोपाल झांसी सागर तो पंचमढ़ी जो है ये महादेव पर्वतमाला के शैलचित्रों को प्रकाश लाने का श्रेय जो है डीएच गार्डन को जाता है और पंचमढ़ी में पांच गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये पांडवों के वनवास कालीन निवास स्थान था ठीक है और यहाँ की जो गुफाओं गुफा, गुफा है और वहाँ से पशु तथा आखिर दृश्य के अतिरिक्त मानव के क्रियाकलाप के चित्र भी मिले हैं ठीक है बाजार केव से एक बकरी का बड़ा चित्र मिला है तो पंचमढ़ी कहाँ स्थित है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल क्योंकि भोपाल के पास ही है तो नियरेस्ट आंसर यहाँ पे भोपाल हो जाएगा पंचमढ़ी कहाँ स्थित है भोपाल राइट आंसर बी अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है इमलिखो में किसके आखेट का दृश्य है सांवर हिरन बारह सिंगा खरगोश इमलिखो में किसके आखेट का दृश्य है आंसर करेंगे सभी लोग सांवर हिरन बारा सिंघा खरगोश राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए सांवर इमलिखों में सांवर का दृश्य मिलता है तो आखेट का दृश्य है याद रखेंगे राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए सांवर अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है हाथी घोड़े महेश सांवर जिराप समूह अश्वरोही अश्वरोही धनुर्धारी, छेपांगन पद्धति में कहाँ बनाए गए हैं मानिकपुर में आदमगढ़ होशंगाबाद या फिर चक्रधरपुर या फिर मंदसौर सभी लोग आंसर करेंगे हाथी घोड़े महेश सांवर जिराफ समूह अश्वरोही अश्वरोही, धनुर्धारी छेपांगन पद्धति में कहा बनाए गए हैं तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आदमगढ़ होशंगाबाद में ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है काले रंग के पत्थर की पुरुष नृतक प्रतिमा का धड़ कहाँ प्राप्त हुआ है लोथल से मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से या फिर चानहुदड़ों से काले रंग के पत्थर की पुरुष नृतक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है यहाँ पे प्रतिमा होगा तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है काले रंग के पत्थर की पुरुष नृत्य प्रतिमा का धड़ कहां से मिला है हड़प्पा से राइट right आंसर होगा सी अगला प्रश्न देखिए आज का लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखेंगे जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है ऑप्शन है सिरगुजा ललितपुर भोपाल इटारसी तो जोगी मारा गुफा जो है ये कहाँ पर स्थित है तो जोगी मारा की जो गुफाएं हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य में हैं और ये अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल जो रामगढ़ की पहाड़ी है यहीं पर स्थित हैं ठीक है थीके? तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर होगा यहाँ पर ध्यान देंगे जोगी मारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए सरगुजा ठीक है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरगुजा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, है बहुत ही इजी प्रश्न से शुरुआत हो रही है लेकिन सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है चांद तारा वॉटर लिली ईगल अशोक स्तंभ तो यहाँ पर आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है राइट आंसर डी के साथ जाएंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है चक्र किसका प्रतीक है संकट विरोध प्रगति शांति चक्र किसका प्रतीक है ट्वेंटी में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा तो चक्र यहां पर प्रतीक हो जाएगा प्रगति का राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक है चक्र किसका प्रतीक है चक्र प्रगति का प्रतीक माना जाता है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है इटली में यूनान में मिस्र में न्यूयॉर्क में झुकी हुई मीनार कहा पर स्थित है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इटली अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत कुरान बाइबिल एलियट विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए महाभारत ठीक है आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपके सभी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए सभी चैप्टर को और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं टेली सिक्स पी पर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे शिवानी आर्ट क्लासेस पे आप लोग जुड़ जाइएगा लाइव सेशन नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त क्योंकि हमारे पास जहाँ मैं रह रही हूं पास में कुछ वर्क चल रहा है जिसकी वजह से लाइव सेशन नहीं लेना मुश्किल हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है और इस वीडियो को आप लोग शेयर किया करें सभी के पास चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ बहुत ही अच्छे प्रश्न है जो आपके आगामी एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेंगे एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है तो आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ महलों से दुर्गों से गुहाओं से स्तंभों से आदि चित्रकला का उद्गम कहां से हुआ सभी लोग आंसर करेंगे राइट right आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी गुहाओं से आदि चित्रकला का उद्गम कहां से हुआ तो गुहाओं से हुआ राइट आंसर सी के साथ जाएंगे अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे अगला प्रश्न है सिंघनपुर के मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है घोड़े का आखेट हाथी का आखेट खरगोश का आखेट या फिर जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य सिंघनपुर के मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है सभी चैप्टर आपको पहले भी कराए गए हैं चैनल पे तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और ये प्रश्न कराए जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सिंघनपुर के मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है इस क्वेश्चन का सही उत्तर आना चाहिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जंगली साढ़ को पकड़ने का दृश्य ये कहाँ पर है सिंघनपुर में ठीक है राइट आंसर डी हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है मिर्जापुर में किन पशुओं के आखेट के दृश्य मार्मिक हैं गेंडे तथा सुवर सांवर बारहसिंगा महिष मिर्जापुर में किन पशुओं के आखेट के दृश्य मार्मिक हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराइए और सभी के पास शेयर कीजिए लिंक जिससे सभी लोग शिवानी आर्ट क्लासेस पर काफी अच्छी मात्रा में व्यूज़ आ पाए तो मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के आकेट के दृश्य मार्मिक हैं राइट right आंसर है ऑप्शन ए गेंडे तथा स्वर काफ़ी मेहनत की जाती है तो आपके लिए ये क्लासेस की जाती हैं जिससे आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें और यहाँ पर आपसे कोई भी फीस वगैरह नहीं रखी जाती है जो भी है बिल्कुल फ्री है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं घर बैठे आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं ठीक है मिर्जापुर में किन पशुओं के आकेट के दृश्य मार्मिक है राइट आंसर ऑप्शन ए गेंडे तथा सुवर अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है पंचमढ़ी क्षेत्र मांडा देव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आकेट चित्रित है भालू का आखेट गेंडे का आखेट शेर का आखेट या फिर हाथी का आखेट आंसर करेंगे पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडा देव की गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर का आखेट ठीक है राइट आंसर सी अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है बंदर कुत्ता हिरन बकरी तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बकरी बाजार केव में किसका चित्र मिलता है तो बकरी का विशाल का चित्र आपको बाजार केव में मिलता है राइट आंसर डी हो जाएगा अगला प्रश्न यहां देखेंगे अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है भैंसे वांगी नर्त की युवती या फिर हाथी मोहनजोदड़ो में प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है आंसर करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तवांगी नर्त की युवती जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है और काफी फेमस भी है गला थोड़ा सा ठीक नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुत चर्चित है तवांगी नर्त की युवती राइट आंसर सी अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है नाव का उत्कीर्णित चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से लोथल से या फिर कुल्ली से नाव का उत्कीर्णित चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग नाव का उत्कीर्णित चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहन जोदड़ो ठीक है नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मोहन जोदड़ो से राइट आंसर भी अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ है वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ है सांची जोगी मारा इमली खोह सीता बोंगा वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ पर मिलता है तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जोगी मारा जोगी मारा में वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ मिलता है जोगी मारा में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सभी गुफाओं की चित्रकला प्लेलिस्ट है आप लोग जरूर चेक कीजिएगा अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे क्वेश्चन है षडंग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है विनय पिटक कामसूत्र अष्टाध्यायी मेघदूत षडंग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है सभी लोग आंसर देंगे षडंग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है तो यहां पर आप लोग देखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काम सूत्र ठीक है षडंग भेद का विवेचन कहां पर मिलता है किस ग्रंथ में काम सूत्र में राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है चित्रकला का क्या कार्य है रूप का आभास करना कीरम काटी लेखना पोतना ठीक है चित्रकला का क्या कार्य है रूप का आभास करना कीरम काटी लेखना और तो आंसर देंगे सभी लोग यहाँ पे चित्रकला का क्या कार्य है क्वेश्चन नंबर है यहां पर इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूप का आभास करना अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है सिंघनपुर में किस घायल पशु को तीरों से बिंधा दम तोड़ते दर्शाया गया है ऑप्शन है हाथी हिरन भैंसा शाही अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है यूपी टीजीटी पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से जितना भी आपने अब तक पढ़ा है तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए और जब भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो आपको काफ़ी हेल्प होगी और निश्चित आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाएंगे ठीक है सिंहनपुर में किस घायल पशु को तीरों से बिंधा दम तोड़ते दर्शाया गया है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भैंसा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है पंचमढ़ी कहाँ स्थित है ग्वालियर भोपाल झांसी सागर तो पंचमढ़ी जो है ये महादेव पर्वतमाला के शैलचित्रों को प्रकाश लाने का श्रेय जो है डीएच गार्डन को जाता है और पंचमढ़ी में पांच गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये पांडवों के वनवास कालीन निवास स्थान था ठीक है और यहाँ की जो गुफाओं गुफा हैं और वहाँ से पशु तथा आखिर दृश्य के अतिरिक्त मानव के क्रियाकलाप के चित्र भी मिले हैं ठीक है बाजार केव से एक बकरी का बड़ा चित्र मिला है तो पंचमढ़ी कहाँ स्थित है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल क्योंकि भोपाल के पास ही है तो नियरेस्ट आंसर यहाँ पे भोपाल हो जाएगा पंचमढ़ी कहाँ स्थित है भोपाल राइट आंसर बी अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है इमलिखो में किसके आखेट का दृश्य है सांवर हिरन, बारह सिंगा, खरगोश इम्लिखोह में किसके आकेट का दृश्य है आंसर करेंगे सभी लोग सांवर हिरन बारह सिंगा, खरगोश राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सांवर इम्लिखोह में सांवर का दृश्य मिलता है तो आखेट का दृश्य है याद रखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सांवर अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है हाथी घोड़े महिष सांवर जिराब समूह अश्वारोही अश्वारोही धनुर्धारी क्षेपांकन पद्धति में कहाँ बनाए गए हैं मानिकपुर में आदमगढ़ होशंगाबाद या फिर चक्रधरपुर या फिर मंदसौर सभी लोग आंसर करेंगे हाथी घोड़े महिष सांवर जिराफ समूह अश्वरोही अश्वरोही धनुर्धारी क्षेपांगन पद्धति में कहाँ बनाए गए हैं तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आदमगढ़ होशंगाबाद में ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है काले रंग के पत्थर की पुरुष नृतक प्रतिमा का धड़ कहाँ प्राप्त हुआ है लोथल से मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से या फिर चानहूद से काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है यहाँ पे प्रतिमा होगा तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है काले रंग के पत्थर की पुरुष नृत्य प्रतिमा का धड़ कहाँ से मिला है हड़प्पा से राइट आंसर होगा सी अगला प्रश्न देखिए और यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है ध्यान दीजिएगा चित्रकला के जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में उल्लेख है महाभारत रामायण चित्र लक्षण ऋग्वेद चित्रकला के जन्म के संबंध में जो उल्लेख मिलता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्र लक्षण और चित्र लक्षण की रचना किसने की थी कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू है भारतीय कला में प्राकृतिक जगत का अनोखा रूप क्यों दिखाई पड़ता है ऑप्शन है यथार्थ अंकन श्रृंगारिक अंकन प्रतीक रूप अंकन चेतन अचेतन जगत का समन्वय तो भारतीय जो कला है यहाँ पर प्राकृतिक जगत का अनोखा रूप क्यों दिखाई पड़ता है इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेतन अचेतन जगत का समन्वय राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है यथारूप प्रतीक चिन्ह आकृति तो भारत की जो कला है हमारी भारतीय कला जो है यहां पर प्रतीक का काफी स्थान है महत्वपूर्ण सबसे राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतीक ठीक है अगला प्रश्न देखिए जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं चार आंसर करेंगे सभी लोग जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा छ अंग बताए गए हैं अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन तथा सुविधा स्थान है तो अजंता की गुफाओं तक पहुंचने के लिए सबसे निकट का रेलवे स्टेशन कौन सा है ऑप्शन है औरंगाबाद जलगांव, फरदापुर आंसर करेंगे सभी लोग और अजंता की यानी कि गुफाओं की चित्रकला प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा वहाँ पर डिटेल में अजंता से रिलेटेड सभी प्रश्न बताए गए हैं तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलगांव अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं में महत्वपूर्ण चित्रों के अवशेष कितनी गुफाओं में है सोलह नौ बीस तीस तो अजंता की जो गुफाएं हैं यहाँ पर आपकी पूरी तीस गुफाएं मिलती हैं और यहाँ पर जो चित्रों के अवशेष हैं ये कितनी गुफाओं में है तो याद रखिएगा नौ गुफाओं में है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है छह दंत जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है तो ऑप्शन है नवी सोलहवीं दसवीं इक्कीसवीं छह दंत जातक कथा जो है ये अजंता की किस गुफा में है तो याद रखिएगा दसवीं गुफा में है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है सोलहवीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम है तो अजंता में जो सोलहवीं गुफा है वहाँ पे भाव चित्रण के दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम है बताना है आपको ऑप्शन है महेश जातक श्याम जातक मरती राजकुमारी मृग जातक तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मरती राजकुमारी और जो कि सोलहवीं गुफा में है और इसका भाव चित्रण की दृष्टि से ये काफी सर्वश्रेष्ठ माना गया है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं बीस सोलह तीस उनतीस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीस गुफाएं हैं अजंता में अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं शैव वैष्णव बौद्ध जैन अजंता की गुफाएं जो है यहां पर किस धर्म से संबंधित चित्र मिल जाते हैं तो आप लोग याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है माया का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है दसवीं सोलहवीं नवी ग्यारहवीं तो माया का स्वप्न ये जो चित्र है अजंता की किस गुफा में है याद रखेंगे सोलहवीं गुफा में है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न है मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है इसी तरह से टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और डेली आपको ट्वेंटी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह से आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन हो जाएगा तो मार विजय का श्रेष्ठ चित्र जो अजंता की किस गुफा में है नवी गुफा में पहली गुफा में दसवीं गुफा में या फिर सोलहवीं गुफा में मार विजय का जो चित्र है ये याद रखिएगा पहली गुफा में है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है, है बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है शोका कुल स्त्री स्त्री गायिकाओं के दल बादलों में आकृतियां हाथियों का जुलूस तो ये बाघ के चित्र हैं और बाघ के चित्रों में से कौन सा दृश्य है जो बहुत ही संगीतमय और रोचक है राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्री गायिकाओं का दल ठीक है राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है यहां पर बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया है पुलकेशन मंगलेश कीर्ति वर्मन नरसिंह वर्मन बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया है तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी मंगलेश ठीक है राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी डिटेल में आपको गुफाओं की चित्रकला में सब कुछ बताया गया है तो आप लोग वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन है सित्तनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया है सित्तनवासल की गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया है ऑप्शन है कमल गंधर्व हंस नृत्यांगना अप्सरा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ट्वेंटी में से कितने क्वेश्चन आपके राइट गए हैं यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नृत्यांगना अप्सरा ठीक है सितन वासल की गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने जो नृत्यांगना अप्सरा का चित्र है इसको सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है राइट आंसर डी होगा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर बादामी गुफाएं कहाँ स्थित हैं ऑप्शन है बीजापुर महाराष्ट्र में पूना में नागपुर में या फिर कोल्हापुर में बादामी की गुफाएं कहां पर हैं तो याद रखिएगा ये बीजापुर महाराष्ट्र में है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है सितनवासल की गुफा कहाँ स्थित है ऑप्शन है केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्रा आप सभी लोगों ने ये सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो बस रिवीजन के तौर पे पूरा एक बार आपका रिवीजन हो जाए यही मेरा उद्देश्य है इसलिए मैं बस आंसर बताते हुए चल रही हूँ तो सित्तन वाजल की गुफा कहाँ पर है ये है तमिलनाडु में राइट आंसर है यहाँ पर सी ठीक है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है सिगिरिया की गुफाएं कहाँ स्थित हैं आंध्रा में श्रीलंका में पांडुचेरी में गोवा में सिगिरिया की गुफाएं कहा है तो ये श्रीलंका में है और अगर इनसे रिलेटेड आपको और ज्यादा प्रश्न करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा सिगिरिया की गुफाएं कहायोग है में है है अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे क्वेश्चन अजंता के के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है? वनस्पति रासायनिक खनिज प्राकृतिक अजंता के जो भी चित्र हैं तो यहाँ पे किस प्रकार के रंग प्रयोग किए गए हैं खनिज रंग राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया कृष्णराज राजा राज चोल सम्राट देवराज देवपाल तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया तो याद रखिएगा राजा राज चोल सम्राट के द्वारा राइट right आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया राजा राज चोल ने राइट आंसर बी क्वेश्चन है अजंता के भीति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान है ऑप्शन है वर्ण पोत आकार रेखा तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रेखा है विध्व रस तथा धूलि चित्र किस ग्रंथ में बनाए गए हैं ऑप्शन है सर सुंदरी कहा वरंगवती कर्णसुंदरी मानसोल्लास विध्व रस तथा धूलि चित्र किस ग्रंथ में बनाए गए हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मानसोल्लास ठीक है राइट आंसर डी जिन्होंने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर टू है पालपोथिया किस धर्म से संबंधित हैं ऑप्शन है, है सैव जैन भगवत महायान बौद्ध पालपोथियां किस धर्म से संबंधित हैं तो पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महायान बौद्ध ठीक है जिन्होंने डी आंसर दिया है सभी का आंसर यहाँ पर सही है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कल्प सूत्र की प्रति समय है चौदह सौ पैंसठ ईस्वी के लिपिकार कौन थे ऑप्शन है कर्ण सिंह देवीदास गौड़ नागरीदास निहालचंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल्प सूत्र की प्रति है चौदह सौ पैंसठ ईस्वी की और इसके लिपिकार कौन थे आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सही उत्तर बताएंगे सभी लोग राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी देवीदास गौड़ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही है देवीदास गौड़ ठीक है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं ऑप्शन आप सभी के सामने ग्राम्य शैली अपभ्रंश शैली गुजरात शैली पाल शैली यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश शैली राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिया सभी का आंसर राइट है बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर फोर है मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहा था तेहरान बगदाद तवरेज समरकंद और हिरात मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था क्वेश्चन नंबर फाइव आप सभी के सामने है तो आंसर सभी लोग करेंगे मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था मुगल चित्रकला का जो आदि स्रोत है ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी समरकंद और हिरात ठीक है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी का आंसर सही है जिन्होंने डी दिया है अगला प्रश्न देखते हैं इस तरह से आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे और आप रिवीजन कर सकेंगे इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का तो आप लोग जो भी स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने बाकी दोस्तों के साथ ठीक है सभी आर्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय कराए जा रहे हैं क्वेश्चन है बाबर ने किस चित्रकार का प्रमुखता से तुझके बाबरी में वर्णन किया है तो ऑप्शन है सैयद अली अब्दुस्मद बेहजाद फारूक बाबर ने किस चित्रकार का प्रमुखता से तुझ बाबरी में वर्णन किया है आंसर फटाफट करेंगे सभी लोग इसी तरह से आपके एग्जाम तक आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे अभी आपके एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए और डेली का डेली रिवीजन भी आप लोग किया करें ठीक है दिन भर में आपने जितना भी तैयार किया है तो एक बार सोने से पहले रात को उसका रिविजन जरूर किया करें बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेहजाद सी आंसर जिन्होंने दिया है सभी का बिल्कुल सही है बेहजाद ठीक है बाबर ने किस चित्रकार का प्रमुखता से तुजके बाबरी में वर्णन किया है तो राइट आंसर सी बेहजाद होंगे अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन है का नामी झंडो के चित्र कहाँ बनाए गए हैं ऑप्शन है भारत चीन नेपाल तिब्बत थान का नामी झंडों के चित्र कहाँ बनाए गए हैं पहले भी ये प्रश्न आपके टीजीटी में पूछा जा चुका है तो थान का नामी जो झंडे हैं इनके चित्र कहाँ बनाए गए हैं आप लोग आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी भारत चीन नेपाल तिब्बत राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी तिब्बत जिन्होंने डी आंसर दिया सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्यान देंगे मामल्लपुरम और पन्ना मलाई के भीति चित्र किस कालीन है कम्युनिटी सेक्शन में आप सभी को प्रश्न दिए जाते हैं तो वो एक बार जरूर चेक किया करें चैनल पे विजिट करें और कम्युनिटी सेक्शन भी चेक किया करें महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पर दिए जाते हैं तो मामल्लपुरम और पन्ना मलाई के भीति चित्र किस कालीन है ऑप्शन है मौर्य वंश वंश चालुक्य वंश पल्लव वंश क्या होगा यहां पर सही उत्तर इस प्रश्न का तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पल्लव वंश ठीक है डी आंसर देने वाले सभी का आंसर बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर कला संपूर्ण ग्रंथ है कौन सा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण है मानसार है चित्र लक्षण है या फिर समरांगण सूत्राधार है तो कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर बिल्कुल बताना है देखेंगे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए विष्णु धर्मोत्तर पुराण ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं अवध में त्रिहुत में बंगाल बिहार उज्जैन पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं हर एक स्टूडेंट आंसर जरूर करेंगे पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल बिहार ठीक है पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं बंगाल और बिहार में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन क्वेश्चन ये गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं अभ्रन शैली के गुजरात शैली के चैन शैली के या फिर पश्चिम भारत शैली के गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं तो यहाँ पर आंसर करेंगे सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर जिन्होंने अपभ्रंश शैली दिया है सभी का उत्तर यहाँ पर क्या है सही है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपभ्रंश शैली गीत गोविंद के चित्र जो है ये अपभ्रंश शैली के हैं राइट आंसर ए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न है बेहजात कहाँ का चित्रकार था खुरांस तथा हिरात मर्व शिराज तबरेज बेहजात कहाँ का चित्रकार था तो आंसर क्या होगा सही उत्तर करेंगे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे बेहजाज जो था ये खुरांश तथा का चित्रकार था राइट आंसर ऑप्शन ए जिन्होंने दिया सभी का सही है अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन है हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया लैला मजनू अमीर हमजा कहानी सीरी फरहाद अली बाबा चार्लिस चोर हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर हमजा कहानी ठीक है हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया था अमीर हमजा का ठीक है अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है यहाँ पर हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पर बने हैं कागज पर चर्म पर सूती कपड़े पर या फिर ताड़ पत्रों पर तो हुमायूं काल के जो अमीर हमजा की कहानी के चित्र हैं ये किस पर बनाए गए हैं ऑप्शन आप सभी के सामने आंसर देंगे यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करेंगे सभी लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूती कपड़ा ठीक है इस तरह से ही प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को करिएगा हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पर बने हैं सूती कपड़े पर राइट आंसर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं सभी प्रश्न टॉप क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था पालकी उठाने और साथ में दीवार पर लिखाई करने का काम इनमें से कौन सा चित्रकार करता था ऑप्शन है बसावन मधु तारा या फिर दसवंत आंसर आना चाहिए सभी लोगों का जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर काल की उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दसवंत ठीक है राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी दसवंत अगला प्रश्न देखते हैं जिन्होंने डी आंसर दिया है सभी का बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर प्रश्न है यहाँ पर अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था ऑप्शन है अमीर हमजा की कहानी लैला मजनू महाभारत रामायण आंसर कीजिए अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर हमजा की कहानी ठीक है जिन्होंने ए आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था ऑप्शन है दौलत मनोहर शंकर मधु तो पशु चित्रण की बात हो रही है ध्यान रखेंगे जहांगीर के दरबार में किसको उच्च स्थान प्राप्त था इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मनोहर ठीक है राइट आंसर बी मनोहर अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न है आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए हैं हुमायूं के समय में अकबर के समय में जहांगीर या फिर औरंगजेब तो आखेड़ चित्रों की बात हो रही है ये किसके समय में बनाए गए हैं याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर जिन्होंने सी आंसर किया सभी का आंसर होगा सही अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला कहाँ स्थापित की लाहौर में आगरा में दिल्ली में या फिर फतेहपुर सीकरी में तो अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला कहाँ स्थापित की थी इस प्रश्न का सही उत्तर करेंगे सभी लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिन्होंने डी आंसर किया फतेहपुर सीकरी सभी का आंसर बिल्कुल यहां पर सही है तो अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला कहाँ स्थापित की फतेहपुर सीकरी में राइट आंसर डी के साथ जाएंगे अगला क्वेश्चन पर देखेंगे प्रश्न है अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीन मुसवीर कौन था ऑप्शन है समद मीर सैयद अली मंसूर फारूक अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीन मुसविर कौन था आंसर देंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर सैयद अली जिन्होंने बी आंसर किया सभी का बिल्कुल सही है अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की ऑप्शन है जेम्स फर्गूसन जॉन सर रो जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की तो बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल सही है ऑप्शन डी सर रो जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की सर रो से राइट आंसर डी 1924 सौ ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल किसने सजाया था असित कुमार हालदार ने मजूमदार ने नंदलाल बसु ने बेद्रे ने 1924 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल किसने सजाया तो आंसर यहां पर सभी लोग देंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदलाल बसु ठीक है और बार-बार ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है अगला क्वेश्चन जिन्होंने सी दिया है सभी का आंसर बिल्कुल यहां पर क्या है सही है अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर क्वेश्चन नंबर टू है नंदलाल बसु की चित्रण शैली की विशेषता क्या है ठीक है नंदलाल बसु की चित्रण शैली की विशेषता क्या है ऑप्शन है रूप रेखांकन छाया प्रकाश यथार्थता राइट right आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रेखांकन नंदलाल बसु की जो चित्रण शैली है इसकी विशेषता क्या है रेखांकन राइट आंसर बी right जिन्होंने दिया है सभी का आंसर सही है अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है आप सभी के सामने स्क्रीन पर ध्यान देंगे अमृता शेरगिल ने किस शैली के चित्रों से विशेष प्रेरणा ली गुजरात शैली बसोहली शैली मुगल शैली लोक कला अमृता शेरगिल ने किस शैली के चित्रों से विशेष प्रेरणा ली सभी लोग आंसर दीजिए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बसोहली शैली ठीक है अमृता शेरगिल ने किस शैली के चित्रों से विशेष प्रेरणा ली राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी बसोहली शैली अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर है यामिनी राय ने किसकी कला प्रेरणा ग्रहण की ऑप्शन है लोक कला बसोहली शैली कंपनी शैली या फिर रोमी कलम यामिनी रंजन राय ने किसकी कला प्रेरणा ग्रहण की तो आंसर देंगे यहां सभी लोग तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक कला ठीक है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोक कला राय ने किसकी कला प्रेरणा ग्रहण की लोक कला की राइट आंसर ए के साथ जाएंगे ए वाले सभी सही हैं अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव है बंगाल स्कूल के चित्रकारों ने किस तकनीक को जन्म दिया वॉश तकनीक शुष्क चित्रण टेम्परा तेल चित्रण बंगाल स्कूल के चित्रकारों ने किस तकनीक को जन्म दिया तो वॉश तकनीक शुष्क चित्रण टेम्परा तेल चित्रण जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा वॉश तकनीक बंगाल स्कूल के जो चित्रकार थे इन्होंने किस तकनीक का जन्म दिया है वॉश तकनीक को राइट आंसर ए होगा अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स आप सभी के सामने दिया जा चुका है तो आंसर करेंगे गुजरात में न, गुजरात में जागरण युग की कला को किसने नवीन रूप प्रदान किया गुजरात में जागरण के युग की कला को किसने नवीन रूप प्रदान किया ऑप्शन है रविशंकर रावल वित्तपाल धीबान एनएस बेंद्रे सभी लोग आंसर दें तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविशंकर रावल जिन्होंने ए आंसर दिया है सभी लोगों का आंसर यहाँ पर क्या है बिल्कुल सही है अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे अवनींद्रनाथ के दल में निम्न में से कौन नहीं था ऑप्शन है सुरेंद्र एसएन एस एन गुप्ता नंदलाल बसु असित कुमार हालदार शैलेंद्र डे उकेल रविशंकर रावल तो अवनीन्द्र के दल में निम्न में से कौन नहीं था आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर देंगे सभी लोग इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रविशंकर रावल ठीक है अवनीन्द्रनाथ के दल में कौन नहीं था तो रविशंकर रावल आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी इसके अलावा सुरेंद्रनाथ एस एन गुप्ता नंदलाल बसु असित कुमार हालदार शैलेंद्र डे उगिर ये सभी अवनीन्द्रनाथ के दल में शामिल थे तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहां हुआ हुगली में जोरा में कलकत्ता में हल्दिया में अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहा हुआ सभी कलाकारों की प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोग वहां से देख सकते हैं इसके अलावा यूथ कंपटीशन की भी प्लेलिस्ट है वह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो जरूर देखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जोरा सांकु अवनिन्द्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ जोरा सांकू में राइट आंसर बी जिन्होंने दिया सही है अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर तो है दक्षिण भारत में उन्नीसवी शताब्दी में किस प्रकार की चित्रण तकनीक का प्रचलन हुआ दक्षिण भारत में उन्नीसवी शताब्दी में किस प्रकार की चित्रण तकनीक का प्रचलन हुआ ऑप्शन आप सभी देखेंगे तैल चित्रण जल चित्रण भित्ती चित्रण पेस्टल चित्रण तो सही आंसर देंगे यहाँ पर दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में किस प्रकार की चित्रण तकनीक का प्रचलन हुआ राइट right आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ने ए आंसर दिया सभी बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देख लेंगे प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए ऑप्शन है ईश्वरी प्रसाद राजा रवि वर्मा सेवक राम जयराम दास तो भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए हैं आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं आंसर देंगे सभी लोग बिल्कुल सही उत्तर देंगे इतना रिवीजन हो चुका है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी जिन्होंने बी आंसर दिया राजा रवि वर्मा ठीक है भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए हैं तो यहां पर आपका आंसर भी हो जाएगा राजा रवि वर्मा ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा अगला प्रश्न है पुनः जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन बने ऑप्शन है हैवेल रामानंद चटर्जी अवनेन्द्र नाथ ठाकुर अर्देन्द्र कुमार गांगुली पुनः जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन बने राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है अवनेंद्रनाथ ठाकुर वो क्या है बिल्कुल सही है पुनः जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन हो जाएंगे अवनिंद्रनाथ ठाकुर अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर तो प्रश्न है आप सभी के सामने आंसर देंगे बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ ऑप्शन है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी डब्ल्यू जी आर्चर हेवेल जेसी फ्रेंच सभी पुस्तक और उनके लेखक का वीडियो भी आपको चैनल पर दिया जा चुका है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसमें से आपको दो से तीन क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में तो बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईवी वी हैवेल जिन्होंने सी आंसर दिया है सभी का आंसर यहाँ पर क्या है सही है अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है आप सभी के सामने ध्यान देंगे मेघदूत के बंगला अनुवाद दृष्टांत चित्र किसने बनाए थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है तो आवाज हो सकता हो थोड़ा सा मोटी आ रही हो मेघदूत के बंगाल ठीक है मेघदूत के बंगला अनुवाद दृष्टांत चित्र किसने बनाए हैं ऑप्शन है क्षेत्रेंद्र मजुमदार असित कुमार हालदार शैलेंद्र डे नंदलाल आंसर करेंगे सभी लोग मेघदूत के बंगला अनुवाद दृष्टांत चित्र किसने बनाए हैं तो राइट right आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी असित कुमार हालदार जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल सभी का आंसर क्या है सही है अगले प्रश्न पर चलेंगे तो प्रश्न है यहाँ पर नंदलाल बसु की कला विषयक पुस्तकें कौन सी हैं चित्रांग रूपावली शिल्प कला चित्रा अंगदा नंदलाल बसु की कला विषयक पुस्तकें यहाँ पर कौन सी हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है रूपावली और शिल्प कला ये दोनों ही पुस्तकें किसकी हैं नंदलाल बसु की हैं और ये कला विषयक पुस्तकें हैं याद रखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर तो प्रश्न है नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ हवेली खडगपुर मुंगेर पटना सतना या फिर कोलकाता में तो नंदलाल बसु का जन्म कहां हुआ आप सभी लोग जानते हैं हवेली खडगपुर मुंगेर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ठीक है ए वाले सभी सही हैं अगला प्रश्न देखेंगे यहां अगला प्रश्न है धब्बों काट छाट के चिन्हों को चित्र रूप का रूप किसने दिया ऑप्शन है गगनेन्द्रनाथ नाथ रविन्द्रनाथ ठाकुर हालदार उकेल धब्बों काट छाट के चिन्हों को चित्र रूप का रूप किसने दिया तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने का कार्य किसने किया ऑप्शन है हेवेल परसी ब्राउन ग्रिफिथ्स सजोमन अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने का कार्य इनमें से किसने किया था आंसर दिया है, बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है कॉलेज ऑफ आर्ट्स नाहन हिमाचल प्रदेश के संस्थापक प्रिंसिपल कौन थे ऑप्शन है सतीश गुजराल सुधीर रंजन खास्तगीर हरिश्चंद्र राय शैलोज मुखर्जी कॉलेज ऑफ आर्ट्स नाहन के संस्थापक प्रिंसिपल कौन थे राइट right आंसर जिन्होंने सी दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन सी चंद्र राय अगला प्रश्न देखिए तो प्रश्न है अमरनाथ और कश्मीर के चित्र किस चित्रकार ने बनाए नारायण श्रीधर बेंद्रे माधव सातव लेकर वीरेन, अमरनाथ और कश्मीर के चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए हैं सभी लोग आंसर देंगे तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नारायण श्रीधर बेंद्र जिन्होंने ए आंसर दिया है सभी का आंसर यहां बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है परमानंद चोयल कहा के चित्रकार हैं ऑप्शन है, है उदयपुर जयपुर अजमेर चित्तौड़ परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार हैं उदयपुर जयपुर अजमेर चित्तौड़ तो परमानंद चोयल कहा के चित्रकार हैं ये उदयपुर के हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है कलकत्ता ग्रुप में कौन सा चित्रकार नहीं था रथिन मित्रा गोपाल घोष गोवर्धन बोस सॉरी गोवर्धन बासु ये सभी कलकत्ता ग्रुप में कौन सा चित्रकार नहीं था इनमें से तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी ठीक है कलकत्ता ग्रुप में ये सभी नहीं थे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ राजा कृष्णराज शिवराज इंद्रदेव विष्णुदेव किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा कृष्ण राज ठीक है ए आंसर वाले सभी स्टूडेंट सही हैं किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ राजा कृष्ण राज राइट आंसर ए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है पटना क्यों चित्रकारों का केंद्र बना विचित्र नगर राज आश्रय व्यापारिक केंद्र धर्म केंद्र तो पटना जो है ये चित्रकारों का केंद्र क्यों बना तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यापारिक केंद्र ठीक है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी पटना एक व्यापारी केंद्र होने के नाते यहाँ पे चित्रकारों का केंद्र बना ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है उन्नीसवी शताब्दी में लखनऊ में जो चित्र शैली प्रचलित हुई उसका नाम बताइए लखनऊ कलम मुगल शैली रूमी कलम फैजाबाद शैली उन्नीसवीं शताब्दी में लखनऊ में जो चित्र शैली प्रचलित हुई उसका नाम क्या है यहाँ पर तो आंसर यहाँ पर सभी लोग करेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूमी कलम जिन्होंने सी आंसर दिया है सभी का सही है राइट आंसर सी के साथ जाएंगे अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है यहाँ पर दक्षिण भारत में उन्नीसवीं शताब्दी में किस चित्र शैली का विकास हुआ ऑप्शन है तंजोर शैली मद्रास शैली मछलीपट्टम शैली गोवा शैली सही आंसर देंगे सभी लोग दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में किस चित्र शैली का विकास हुआ तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंजौर शैली ठीक है राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन ए तंजौर शैली हो जाएगा अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है यहाँ पर मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिया ऑप्शन है कंपनी शैली हैदराबादी शैली बनारस शैली कलकत्ता शैली मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिया आंसर करेंगे सभी लोग तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कंपनी शैली ठीक है राइट आंसर ए हो जाएगा कंपनी शैली सभी का आंसर सही है जिन्होंने ए दिया है अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बनाए गए पशु चित्र पक्षी चित्र युद्ध चित्र लघु व्यक्ति चित्र मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बनाए गए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी लघु व्यक्ति चित्र ठीक है जिन्होंने डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल सही है लघु व्यक्ति चित्र अगला प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न है यहां पर सोलहवीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है हर्षु दाते हंसुराज मग्नू सोलहवीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है ऑप्शन दिया गया है आंसर करिए सभी लोग हर्षु दाते हंसराजु मगनू तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हंस राजू जिन्होंने सी आंसर किया है सभी का सही है ठीक है हंस राजू का जो है उल्लेख किसने किया है लामा तारानाथ ने कश्मीर के चित्रकार हैं ये और सोलहवीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने इनका उल्लेख किया है ठीक है राइट आंसर सी हंसराजू अगला प्रश्न देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कला सिलेक्शन सीरीज चल रही है शिवानी आर्ट क्लासेस पे तो जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे साथ में पास में बने आइकन को जरूर प्रेस करेंगे इसी से आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा तो जुड़िए और अपनी तैयारी और भी बेहतर कीजिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा जो है क्या कह रहा है गढ़वाल चित्र शैली को किसने प्रशस्त किया ऑप्शन है जेसी फ्रेंच एनसी मेहता आनंद कुमार स्वामी बैरिस्टर मुकंदी लाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं चैनल पर तो आप वहां से देख सकते हैं लाइव सेशन के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे गढ़वाल चित्र शैली को किसने प्रशस्त किया राइट right आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जिन्होंने डी आंसर दिया है सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है और लास्ट में बताइएगा में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल यहाँ आंसर होंगे अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है गढ़वाल के किस राजा ने शहजादे सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान की पृथ्वी शाह फतेह शाह मेदिनी शाह प्रद्युम्न शाह गढ़वाल के किस राजा ने शहजादे सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान किया तो आंसर यहां पर क्या होगा राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है पृथ्वी शाह ठीक है अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है यहां पर पुंछ की चित्र शैली किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है पुंछ की चित्र शैली किस पहाड़ी शैली से प्रभावित रही है बसोहली शैली गुलेर शैली चंबा शैली या फिर कांगड़ा शैली तो राइट आंसर यहां पे है ऑप्शन बी गुलेर शैली ठीक है अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है यहाँ पर मंडी के किस राजा ने जालपा और टेसा में काले के मंदिरों में भीती चित्र बनवाए ठीक है ऑप्शन है जालिम सेन सिद्ध सेन ईश्वरी सेन बलवीर सेन आंसर आना चाहिए सभी लोगों का मंडी के किस राजा ने जालपा और टेसा में काले मंदिरों में भीती चित्र बनवाए हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन ए जालिम जिन्होंने ए दिया है सभी का आंसर यहां पर सही है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे क्वेश्चन है गढ़वाल चित्र शैली का विख्यात चित्रकार कौन था ऑप्शन है मोलाराम ज्वालाराम राम तुलसीराम ज्वाला राम, राम, राम. गढ़वाल चित्र शैली का विख्यात चित्रकार कौन था तो राइट आंसर ऑप्शन ए मोलाराम ठीक है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए राम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया ऑप्शन है हरदास हीरानंद मंगत राम श्यामदास गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हीरानंद ठीक है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है हीरानंद अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा दारा शिको सुलेमान शिको मुराद बख्श शुजा कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा तो सभी का आंसर यहां पर आना चाहिए राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी सुलेमान शिकोह जिन्होंने बी आंसर दिया है सभी का बिल्कुल सही है अगला प्रश्न यहां देखेंगे प्रश्न है जम्मू से प्राप्त आरंभिक चित्र किस चित्र शैली के हैं गुलेर शैली चंबा शैली बसोहली शैली या फिर कांगड़ा शैली जमो से प्राप्त आरंभिक चित्र किस चित्र शैली के हैं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन सी बसोहली शैली ठीक है सी आंसर देने वाले सभी सही हैं अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है मंडी के किस राजा के समय में चित्रकला का विकास हुआ सिद्धसेन ईश्वरी सेन, सेन बलवीर सेन जालिम सेन अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और आप लोग पूछते हैं किस तरह से तैयारी करें तो बिल्कुल मैं आपको बता दूँ सबसे महत्वपूर्ण होता है सेल्फ स्टडी करना अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं प्रॉपर नोट्स तैयार किए हैं तो बिल्कुल आपका सही है तरीका क्योंकि इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का ठीक है तो किसी भी सोर्सेस से आप पढ़ रहे हों लेकिन आप सेल्फ स्टडी जरूर करिए तो मंडी के किस राजा के समय में चित्रकला का विकास हुआ इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ईश्वरी सेन ठीक है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न देखेंगे शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या है दरबार चित्र रागराग्नि चित्र नायिका भेद चित्र या फिर व्यक्ति चित्र सभी लोग आंसर करेंगे कांगड़ा शैली के चित्रों का जो प्रमुख चित्रण विषय है ये क्या है तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन सी नई का भेद चित्र बिल्कुल सही हो जाएगा राइट आंसर सी जिन्होंने दिया है सभी का उत्तर सही है अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न है यहां पर गुलेर चित्र शैली का विकास किस राजा के समय में हुआ राजा मानसिंह राजा गोवर्धन सिंह राजा विक्रम सिंह या फिर राजा दलीप सिंह गुलेर चित्र शैली का विकास किस राजा के समय में हुआ तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा गोवर्धन सिंह ठीक है जिन्होंने बी दिया है सभी का सही है अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है चंबा का रंग महल किस लिए प्रसिद्ध है क्वेश्चन नंबर थ्री है विशालता ऊंचाई भीति चित्रकारी या फिर दुर्गनुमा बनावट चंबा का जो रंग महल है ये किस लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भीति चित्रकारी चंबा का रंग महल जो है ये अपने भीति चित्रकारी के लिए काफी फेमस है राइट आंसर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है चैनल पे इसके पहले भी जो प्रश्न कराए गए हैं सभी पार्ट आप जरूर देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला प्रश्न देखें अगला जो प्रश्न है देखेंगे बसोहली की चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित रही ऑप्शन है अर्का नूरपुर कुल्लू मंडी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल्लू ठीक है बसोहली की जो चित्र शैली है हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित है कुल्लू में राइट आंसर सी जिन्होंने दिया सभी का उत्तर यहाँ सही है अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है कांगड़ा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या है ऑप्शन है विरोधी रंग संगत शीतल रंग सपाट रेखांकन या फिर गहरे रंग कांगड़ा चित्र शैली की प्रमुख विशेषता यहाँ पर क्या है तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगत शीतल रंग ठीक right है राइट आंसर बी अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है यहाँ कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ ऑप्शन है घमंड चंद संसार चंद रणवीर चंद अनिरुद्ध चंद कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ घमंड चंद संसार चंद रणवीर चंद या फिर अनिरुद्ध चंद तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसार चंद ठीक है कांगड़ा की चित्रकला का विकास राजा संसार चंद के समय में हुआ राइट आंसर बी अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ क्वेश्चन है गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था नैन सुख चैवु भरथु या फिर हसनु तो गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए नैन सुख ठीक है ए आंसर देने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही हैं अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे प्रश्न है चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौर के राजमहल के कपाटों पर किस राजा की काष्ठ रेहण चित्र छवि उभारी गई है ऑप्शन है गणेश वर्मन प्रताप सिंह वर्मन छतर सिंह या फिर पृथ्वी सिंह तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी सिंह जिन्होंने आंसर किया है सभी का सही है अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ प्रश्न है बसोहली शैली के हास्ये किस प्रकार के बनाए गए हैं बेल बूटोदार अनेक रंग की रेखाओं दार गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियोंदार ज्यामती आलेखनोदार बसोहली शैली के हासिये किस प्रकार के बनाए गए हैं राइट right आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियों अगला प्रश्न देखेंगे तो है बसुहली के चित्रों में किस वैष्णव देवता को प्रधानता प्रदान की गई शिव श्री राम श्री कृष्ण इंद्र तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा राइट right आंसर ऑप्शन सी श्री कृष्ण ठीक है बसोहली के जो चित्र है यहाँ पर किस वैष्णव देवता को प्रधानता दी गई है श्री कृष्ण के चित्रों को राइट right आंसर होगा सी अगला प्रश्न प्रश्न है पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं आर्की गुलेर कांगड़ा बसोहली राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी बसोहली ठीक है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बसोहली अगला प्रश्न है भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ ठीक है ऑप्शन है मद्रास मुंबई दिल्ली जयपुर तो भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ सही आंसर सभी लोग करेंगे बिल्कुल राइट आंसर जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है सभी का उत्तर यहां पर बिल्कुल सही है राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए मद्रास तो भारत में जो प्रथम राजकीय कला विद्यालय है ये कहाँ प्रारंभ हुआ था मद्रास में और मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 1800 पचास ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय की स्थापना हुई थी और मद्रास कला विद्यालय के जो प्रथम आचार्य थे कौन थे ईवी हैवेल थे ठीक है मद्रास कला विद्यालय के जो प्रथम प्राचार्य थे याद रखेंगे प्रथम प्राचार्य कौन थे मद्रास कला विद्यालय के ईवी हेवल थे और अगर आपसे पूछे मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे तो याद रखिएगा देवी प्रसाद राय चौधरी थे ठीक है भारतीय प्राचार्य देवी प्रसाद राय चौधरी थे मद्रास तो तो कला विद्यालय के और अगर पूछे मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य तो ईवी हेवल ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर तो अगला प्रश्न है ध्यान देंगे प्रथम बेनिस बिनाले कब आयोजित की गई थी प्रथम बेनिस बिनाले कब आयोजित की गई थी ऑप्शन है अठारह सो इक्यानवे अठारह सो सत्तानवे अठारह सो तिरानवे अठारह सो पंचानवे प्रथम बेनिस बिनाले कब आयोजित की गई थी सभी लोग आंसर देंगे यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी अट्ठारह सो पंचानवे बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अठारह अगला प्रश्न देखेंगे चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है ध्यान दीजिएगा और आंसर कीजिएगा डैश राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे ऑप्शन है के एस कुलकर्णी राय कृष्ण दास राधा कमल मुखर्जी डॉक्टर संपूर्णानंद तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान देंगे और यही प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न ही पूछे जाते हैं ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करना है इसके लिए यूथ कॉम्पिटिशन चैनल पर पूरा कराई गई है तो उसके जो चैप्टर रह गए हैं वो भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा और बाकी आप वहां से तैयार कर सकते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णा जिन्होंने डी आंसर किया है बिल्कुल सही है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर थे और अगर आपसे पूछा जाए राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो आप याद रखेंगे सीताराम कश्यप ठीक है सीताराम कश्यप को ठीक अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे हमारा अगला प्रश्न है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में हुई राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में हुई तो ऑप्शन देखिए आंसर कीजिए जल्दी जल्दी 1975 में 1965 में उन्नीस में या फिर उन्नीस में तो कब स्थापना हुई थी सभी लोग आंसर देंगे चलिए याद रखिएगा उन्नीस में राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना उन्नीस में हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद थे ये भी आप याद रखेंगे वर्तमान अध्यक्ष कौन है सीताराम कश्यप है ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और ये कला सिलेक्शन सीरीज चलाई जा रही है जिसका है आज पार्ट सेवन ठीक है तो आप लोग शेयर कर देंगे सभी के पास और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को क्लिक कर लीजिएगा चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है तो देखिएगा कला प्रयोजन है कला वार्ता है समकालीन कला है या फिर कला दीर्घा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा क्योंकि देखिए यूपी पीजीटी में पूछा गया है टीजीटी में पूछा गया है ठीक है कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे सभी लोग ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समकालीन कला राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समकालीन कला ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था है सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है ऑप्शन है मीनल वजीरानी सतीश गुजराल नंदिता दास सुबोध गुप्ता सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन वाले क्वेश्चन ही है अगर ये प्रश्न आप नहीं गलत करते तो आपका जरूर सिलेक्शन हो जाता है ठीक है कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है आंसर करिए सभी लोग चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीनल वजीरानी ठीक है कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था जो है सैफरन आर्ट ये कौन संचालित करता है मीनल वजीरानी ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं जिन्होंने ए आंसर दिया सभी का बिल्कुल सही है अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे अगला क्वेश्चन है भारत की चित्रकला जो कि उन्नीस की है और भारत की मूर्तिकला ये भी उन्नीस की है तो इन पुस्तकों के लेखक कौन है भारत की चित्रकला भारत की मूर्तिकला इन पुस्तकों के लेखक कौन है तो देखिएगा भारत इंदु हरिश्चंद्र हैं जयशंकर प्रसाद हैं राय कृष्ण दास हैं या फिर शमशेर बहादुर सिंह हैं आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी देंगे भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला पुस्तकों के लेखक कौन है और ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा आपके यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था इस तरह के प्रश्नों को आप स्टार बना लीजिएगा अगर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो इसको मैंने इसीलिए लिया है कि आपको बता सकूंगी इस प्रश्न को आयोग ने क्या किया था एफ ठीक है कर दिया था और याद रखेंगे भारत की चित्रकला जो उन्नीस सौ में और भारत की मूर्तिकला कला उन्नीस सौ उनतालीस पुस्तकों के जो लेखक हैं तो आप लोग याद रखेंगे राय कृष्ण दास हैं ठीक है कौन है राय कृष्ण दास हैं और इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे साधना अनाख्या ठीक है तो इस प्रश्न को स्टार कर लीजिएगा और ये आपके पीजीटी 2021 यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है इसको आयोग ने यफ बताया है ठीक है लेकिन इसका आंसर क्या है ऑप्शन सी राय कृष्ण दास अगला प्रश्न बताइएगा क्वेश्चन है कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरेन आर्ट कौन संचालित करता है ऑप्शन है मीनल वजीरानी सतीश गुजराल नंदिता दास सुबोध गुप्ता सभी लोग आंसर दीजिएगा कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था है सैफरेन आर्ट तो इसे संचालित कौन करता है यहां पर आंसर सभी लोगों को बताना है ठीक है राइट आंसर ऑप्शन ए मीनल वजीरानी ये आंसर जिन्होंने किया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है मीनल वजीरानी जो है ये संचालित करती है सेफरन आर्ट को ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार चित्रकार एवं डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे ऑप्शन है कलकत्ता समूह ललित कला अकादमी कला भवन शांति निकेतन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स क्या होगा इसका सही उत्तर राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी ललित कला अकादमी जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर भीति चित्र यानी कि म्यूरल किस भाषा से उत्पन्न शब्द है सभी लोग आंसर यहाँ पर करेंगे भीति चित्र म्यूरल किस भाषा से उत्पन्न शब्द है फ्रेंच अंग्रेजी जर्मन इटालियन आज के जो क्वेश्चन है ये भीति चित्र से है तो भीति चित्र म्यूरल किस भाषा से उत्पन्न शब्द है यहां पर राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजी ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है सभी का बिल्कुल सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है शिवी जातक शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है तो क्या चित्रित है, शिवी जातक क्या है? शिव, शिव, शिव।, शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में क्या चित्रित है शिव तथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु अग्नि तथा इंद्र वायु तथा शिव बताइए शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है राइट right आंसर यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है अग्नि तथा इंद्र ठीक है शिवी जातक जो चित्र है इसके अंतिम दृश्य में साधु के रूप में क्या चित्रित है अग्नि तथा इंद्र अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ हमारा अगला प्रश्न है एलोरा की बत्तीसवीं गुफा किस नाम से जानी जाती है ऑप्शन है लंकेश्वर गणेशलेड़ सिंह वाहिनी इंद्र सभा एलोरा की बत्तीसवीं गुफा किस नाम से जाने जाती है आंसर कीजिए यहाँ पे सभी लोग 32वीं गुफा किस नाम से जाने जाती है एलोरा की तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जिन्होंने डी आंसर दिया है सभी का उत्तर बिल्कुल सही है राइट आंसर डी इंद्र सभा ठीक है बत्तीसवीं गुफा एलोरा की इंद्र सभा के नाम से जाने जाती है अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है गियोतो किस रूप में प्रसिद्ध है चित्रकार स्थापत्यविद विद भीति चित्रकार वास्तुशिल्पी गियोतो किस रूप में प्रसिद्ध है तो यहां पर जिन्होंने सी आंसर किया है सभी का आंसर सही है भीति चित्रकार ठीक है सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें गियोतो किस रूप में प्रसिद्ध है भीति चित्रकार के रूप में राइट आंसर सी के साथ जाएंगे चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे देखेंगे होरियोजी मंदिर के भीति चित्र किस शताब्दी के हैं सोलहवीं बीसवीं ग्यारहवीं आठवीं होरियोजी मंदिर के भीति चित्र किस शताब्दी के हैं तो यहां पर सही उत्तर बताना है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आठवीं ठीक है डी आंसर देने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही हैं तो राइट आंसर डी अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं चौतीस पैंतीस छत्तीस या फिर तैतीस तो एलोरा में कितनी गुफाएं हैं राइट आंसर यहां पर होगा सभी लोग आंसर दीजिए एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो ए आंसर देने वाले सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं 34 गुफाएं हैं अगला प्रश्न देखेंगे और बत्तीसवीं गुफा जो है इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र और ये प्रश्न आपके टीजीटी 2016 की परीक्षा में आया हुआ है तो राइट आंसर बी जिन्होंने दिया सभी का बिल्कुल सही है एलोरा किस राज्य में है तो एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है राइट आंसर बी के साथ जाएंगे अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था उस नरेश का नाम क्या था अमोघवर्ष दंती दुर्ग कृष्ण राजप्रथम विक्रमादित्य एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश के द्वारा कराया गया था और उस नरेश का नाम यहाँ पर पूछा गया है तो आंसर देंगे सभी लोग राइट right आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण राज प्रथम जिन्होंने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है कृष्ण राज प्रथम एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था कृष्ण राज प्रथम ने अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है ऑप्शन है अजंता बाघ एलोरा एलिफेंटा कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एलोरा एलोरा भी कैलाश मंदिर है ठीक है राइट आंसर सी सभी का सही हो जाएगा अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पर एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है तो क्या है एलोरा की प्रसिद्धि का कारण चित्र शैली धार्मिक विषय वस्तु कैलाश मंदिर नटराज की मूर्ति एलोरा की प्रसिद्धि का कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा तो सही उत्तर बताना है राइट right आंसर देखेंगे ऑप्शन सी कैलाश मंदिर एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है यहाँ का कैलाश नाथ मंदिर और ये गुफा संख्या सोलह में है ठीक है गुफा संख्या सोलह जो है ये कैलाश नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है ठीक है तो राइट आंसर सी अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भीति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी ऑप्शन है तंजोर शैली दक्कन शैली मुगल शैली उपयुक्त में से कोई नहीं तो एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर गुफा संख्या सोलह जो है तो यहाँ से उपलब्ध भीति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी है आंसर दीजिएगा यहाँ पर तंजौर शैली दक्कन शैली मुगल शैली या उपयुक्त में से कोई नहीं राइट right आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी दक्कन शैली ठीक है बी आंसर सभी का सही हो जाएगा अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताएं जहाँ एक भी चित्र उपलब्ध नहीं है तो भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां पर एक भी चित्र आपको नहीं मिलते ऑप्शन है अजंता बाघ एलोरा एलिफेंटा तो देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एलिफेंटा इसके अलावा अजंता एलोरा और बाघ तीनों जगह आपको चित्र मिलते हैं लेकिन एलिफेंटा में नहीं मिलता है ठीक है और कमेंट सेक्शन में बताएंगे एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न देखिएगा कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है तो क्या है गणेश की मूर्ति है शिव पार्वती शिवलिंग या फिर पार्वती कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी right शिवलिंग कैलाश मंदिर के मध्य शिवलिंग स्थापित है राइट आंसर सी सभी का सही होगा अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है अजंता गुफा एलिफेंटा गुफा एलोरा गुफा कालरा गुफा ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहां पर स्थित है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलिफेंटा गुफा जिन्होंने बी दिया है सभी का सही है एलिफेंटा गुफा में ही ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति स्थापित है ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन है विख्यात महेश मूर्ति रॉकट मूर्ति कहाँ है सारनाथ एलिफेंटा अमरावती सिगिरिया विख्यात महेश मूर्ति रॉकट मूर्ति कहाँ पर स्थित है तो सारनाथ होगा आंसर एलिफेंटा होगा या फिर अमरावती या फिर सिगिरिया तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एलिफेंटा महेश मूर्ति रॉकट मूर्ति कहाँ है एलिफेंटा में बी आंसर सभी का सही होगा अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पर बाघ गुफाएं किस जनपद में है दामोह जनपद रीवा जनपद रतलाम जनपद या फिर धार जनपद क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में बाघ गुफाएं किस जनपद में है राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी धार जनपद तो बाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के धार जनपद में है राइट आंसर डी सभी का यहां पर होगा सही अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? दस नौ आठ सत्रह तो बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बाघ में कुल नौ गुफाएं हैं तो बी आंसर सही होगा सभी का अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न है बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है मुगल शैली अपभ्रंश शैली अजंता शैली राजपूत शैली बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है आंसर दीजिए राइट आंसर ऑप्शन सी अजंता शैली जिन्होंने सी आंसर किया सभी का उत्तर बिल्कुल सही है जो नए स्टूडेंट भी तैयारी कर, कर रहे होंगे पहली बार तैयारी कर रहे होंगे तो सभी प्रश्न चैनल पर दिए गए हैं वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं ठीक है और इस समय कला सिलेक्शन सीरीज में भी आपको नए नए प्रश्नों का रिवीजन कराया जा रहा है साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन के भी रिवीजन हो रहे हैं तो मिक्स है यहां पर और ये सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी बाघ गुफा चित्र पर की शैली का प्रभाव है अजंता शैली का राइट आंसर सी हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1917। असित कुमार हालदर और नंदलाल बोस के द्वारा किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई गई थी सही आंसर यहां पर सभी लोग देंगे और इसके अलावा चैनल पे जितने भी प्ले लिस्ट है आप लोग जरूर चेक करेंगे उत्तर प्रदेश विविध के नाम से प्ले लिस्ट है समकालीन कलाकारों की श्रृंखला प्ले बनी हुई है इसके अलावा कला रिवीजन क्लासेज के नाम से प्ले है जहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं इसके अलावा आपको और भी जो प्ले बनाई गई हैं सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो जरूर देखिएगा गुफाओं की चित्रकला भी आपको प्लेलिस्ट दी गई है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा असित कुमार हालदर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा सभी लोग आंसर करेंगे जिन्होंने बी आंसर दिया है सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है राइट आंसर बी 1921 में असित कुमार हालदर और नंदलाल बोस के द्वारा बाघ गुफाओं के प्रतिलिपियाँ बनाई गई ठीक है राइट आंसर बी अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे